नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। वाड्रा की टिप्पणी से भाजपा नाराज, संसद में बवाल। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा फेसबुक पर की गई टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने गुरुवार को उन्हें संसद में बुलाकर दंडित करने की मांग की, जिसके चलते सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। शून्यकाल में भाजपा के प्रहलाद जोशी ने वाड्रा की टिप्पणी को संसद पर हमला बताते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने की मांग की। सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया। सोनिया गांधी भी जोशी की टिप्पणी पर उद्वेलित नजर आई। गौरतलब है कि वाड्रा ने 21 जुलाई को फेसबुक पर संसद सत्र के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था, संसद शुरू हो गई है और साथ ही शुरू हो गई है उनकी क्षुद्र विभाजनकारी राजनीति। भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। खेद है कि भारत का नेतृत्व ऐसे तथाकथित नेता कर रहे हैं। कांग्रेस का नया दांव, इस्तीफा नहीं तो काम नहीं। ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से इस्तीफा नहीं तो काम नहीं की रणनीति पर विपक्षी दलों को अपने साथ गोलबंद करने के प्रयासों को देखते हुए संसद में गतिरोध जारी रहने की संभावना है। गुरुवार को सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राकांपा नेता तारिक अनवर, झामुमो के विजय हंसदा और आप नेता भगवंत मान के साथ बैठक की। उल्लेखनीय है कि 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान ललित मोदी प्रकरण पर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे के इस्तीफे और व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने की कांग्रेस नीति विपक्ष की मांग के कारण अब तक संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका है। मोदी जी दिल्ली पुलिस को संभालो, केजरीवाल की गुहार। लंबे समय से दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। उन्होंने मोदी से दिल्ली की कानून व्यवस्था में सुधार लाने की अपील भी की है। केजरीवाल ने एक वीडियो में कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। उचित होगा कि आप पुलिस की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को सौंप दें। दो चीनी पनडुब्बियों ने किया था कराची बंदरगाह में प्रवेश। देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए सरकार ने गुरुवार को माना कि अदन की खाड़ी में तैनात की जाने के लिए चीनी पनडुब्बियों ने 23 मई 2015 को कराची बंदरगाह में प्रवेश किया था और 29 मई 2015 को वहां से रवाना हुई थी। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा को बताया कि एक पारंपरिक डीजल चलित चीनी पनडुब्बी ने 7 से 13 सितंबर 2014 तथा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2014 तक कोलंबो के बंदरगाह पर लंगर डाला था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।